नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में गेंदा का फूल उगने लगते हैं, तो आज मैं आप लोगों को गेंदा की जानकारी बताने वाला हूं। गेंदा का फूल दिखने में काफी मनमोहक होता है, मन को भाने वाला होता है। गेंदा जो है पूरे भारत वर्ष में लगाए जाते हैं, बिना उगाए ही ये उग भी जाते हैं। बहुत जगह इसके खेती भी किया जाता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं इससे तेल निकाला जाता है। इसके तेल काफी स्वादिष्ट होता है, इसके तेल बहुत सारे बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। तो मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, फूल किसी न किसी बीमारी को ठीक करने का काम जरूर आते हैं। हर पेड़ पौधा में कुछ न कुछ औषधि गुण छुपा होता है, बस उसे थोड़ा बहुत पहचानने वाला आना चाहिए। तो गाइस, आज के वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। गेंदे के फूल से जो आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ और आज भी बोलना चाहूंगा, 99% रोग जो होते हैं वह पेड़ पौधे जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाते हैं। 1% रोग ठीक नहीं हो पाते, वो है ऑपरेशन करने के लायक वाले। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें, यह जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। कई जगह इसे गेंदा बोला जाता है, कई जगह इसे गुलटोरा, कई जगह कलम के नाम से जाना जाता है, इसे कई जगह लाल मुर्गा भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में झंडू नाम से जाना जाता है, उर्दू में इसे बला बोला जाता है, उड़िया में इसे गेंदू कहा जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रही है भी जरूर बताना। और एक बात सभी मित्रों से मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि जो सच्चे भारतीय हैं, जो लोग सच्चे आयुर्वेद के साथ प्रेम करते हैं, आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में आयुर्वेद के मनोबल को बढ़ाने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। क्योंकि अगर आप ऐसा थोड़ा सा लिख देते तो हमारे भी मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जानकारी लेकर के आने लगते हैं। तो पहला है आंख की बीमारी दूर करने के लिए, जैसे कि आंखों में लालिमापन आ गई है, आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है, तो आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेंदे के फूल की कली को पीस ले, एकदम आपको गेंदे के फूल की जो कली है, या एक प्रकार के कहा जाए तो गेंदे के फूल की जो कली में पेंसिल जैसा रहता है वहां वो आपको तोड़ लेना है। और आंखों के बाहर घड़ी की रोशनी में आंखों की बीमारी जैसे आंखों के फूलने आदि जो समस्या है वहां पे इसका जो आप गेंदा के फूल की कली लेंगे पेंसिल के जैसा रहता है, इसे आपको अपनी आंखों में पूरी तरह काजल की तरह लगाना होता है, काजल की तरह इसके जो रस निकल उसे, तो ये आंखों के लालिमापन को दूर कर देते हैं। नाक से खून बहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके 1 से 2 बूंद नाक में डालने से नाक से खून बहना बंद हो जाते हैं। इसके फल का प्रयोग करना होता है, इसके फूल का रस कर डालना होता है। इसके बाद मित्रों, किसी भी प्रकार की खांसी हो रहे हैं, खांसी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की खांसी हो रहे हैं तो गेंदे के फूल की घुड़ी यानी कि जो इसका पुषधार पात्र होता है इसका चूर्ण ले ले, उसे 5 ग्राम की मात्रा में ले और 10 ग्राम शक्कर ले, ये सबको मिलाकर के 3 बार खिला देने से खांसी जो होता है वह ठीक हो जाती है। स्तनों की सूजन है, किसी भी प्रकार की कहीं पे भी सूजन आ गए, हाथ पैर में सूजन आ गए हैं, तो एक काम करिए, यह जानकारी पूरे जिंदगी भर आपको काम आएंगे, अभी नहीं पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। गेंदे के पत्ते को थोड़ा सा गर्मा कर ले, ध्यान दीजिएगा यह जानकारी बाद में काम आएंगे। गेंदे के पत्ते को गर्मा कर लीजिए और स्तन में सूजन है, हाथ पैर में सूजन है, किसी भी हिस्से में सूजन है तो वहां पे इसके पत्ते को थोड़ा सा गर्मा करके पीस करके बांध दे, सूजन बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, मवाद है तो पक करके फूट भी जाते हैं। और यह प्रयोग हमने बहुत से लोगों को करा के देखे, 100% लाभ मिलते हैं सूजन दूर करने के लिए। इससे बेस्ट दुनिया में कोई भी आपको दवा नहीं मिलने वाली। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर गलती से किसी बराया ने, ततया ने या बिच्छू ने डंक मार दे हैं तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे पीस करके बराया ततया काटे हुए स्थान पर लगा देने से, बिच्छू ने डंक मारा वहाँ पे इसके पत्ते को पीस करके बांध देने से तत्काल जहर उतर जाते हैं। दांत के दर्द हो रहे हैं तो 20 से 30 एक काम करें, 20 से 30 इसके पत्ते का रस निकाल लें और इसके पत्ते के रस में 1 से 2 दाने काली मिर्च पीस करके डाल दें और रुई के सहारे इसके रस को दांतों पर लगाएं तो दांतों के दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे, दांतों में कीड़े मर जाते हैं। तो यही थे कुछ इसके गिने चुने फायदे जिसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा किया हूँ। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, फिर से अंतिम बार बोलना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद लिखना ना भूलना। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद जय आयुर्वेद।